हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज लुसेंट सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे, जिसमें वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में फास्ट रिवीजन करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय संविधान को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संलग्नकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में पहला ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूत्रों सहित 1028 सूक्त होता है एवं 10462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसका दूसरा फैक्ट, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त है। इसके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो कल्पित है पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व अर्थात बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डेमिनी डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, वामनावतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। नोट में, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके बाद यजुर्वेद देखते हैं। स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठक को अर्घ्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसको याद रखिएगा, गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उदात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य पुरुषों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प,
व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं तथा सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ तथा शराब की भांति स्त्री को पुरुष तथा पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धाग्नि कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग की विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त कहते हैं, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इसे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है।